हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक जरूरी सूचना, आज क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2020 रिलीज हो गया है, तो वी आर कमिंग अप विद अ वेरी न्यू सीरीज चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ द सर्वे एज वेल। मेक श्योर कि आप उसे फॉलो करें। प्री और मेंस दोनों में एक एक दो दो क्वेश्चंस उसमें से रहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ वेरी न्यू सीरीज ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप अपना प्यार इसी तरह दिखाते रहिएगा, बनाए रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं द हिंदू के आज 31 जनवरी के न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की। नाउ सबसे पहले कौन कौन से एडिटोरियल्स हमने नहीं करने हैं। कैपिटल कैंपेन, पॉलिटिकल टॉपिक नहीं करना, सिंबल्स एंड स्लोगन्स ऑफ सब्सटेंस, ये भी इट सीम्ड लाइक एन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल बट ये नहीं करना है। अ ट्रबल्ड प्रिस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन्स हैं वो इंडिया लॉन्च कर रहा है एंड इंडिया किस तरीके से ये अलाउ कर रहा है, किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन अलाउ कर रहा है। नाउ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स होते तो अच्छी बात होती, हम इसको कवर करते। इनफैक्ट ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनडायरेक्टली पूछा जा सकता था। नाउ ऑल ऑफ दीज एडिटोरियल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज अ डिलीवरेंस। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। Prelims and mains दोनों में सवाल इसका बन सकता है। For the rural poor, a manufactured crisis. Now ये बात करता है rural employment की and किस तरीके से rural consumption या rural demand India की economy को boost कर सकता है। Should restrictions on free speech be reviewed? A very important editorial। इसमें से जरूरी है कि एक सवाल जरूर बन के निकल के आएगा and हम उसे discuss भी करेंगे, अच्छे से करते हैं। चलिए एंड लास्टली हमारा क्वेश्चनेयर राउंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल, अ डिलीवरेंस। नाउ अ डिलीवरेंस इट टॉक्स अबाउट एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टू 24 वीक्स। नाउ दिस इज अ बून फॉर मेनी वुमेन। ज्यादातर केसेस में अगर बात करें तो ये एक फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। द बॉर्डर्स ऑफ वायबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस आर ऑफन ओनली एज रिस्ट्रिक्टिव एज द टेक्नोलॉजी ऑन विच इट राइड्स। जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो प्रोसेस राइड करता है उसकी जितनी रिस्ट्रिक्शंस होती है उसी की हद तक उस प्रोसेस की वायबिलिटी हो सकती है। घुमा फिरा के बहुत सिंपल सी बात की गई है। नाउ एक्सटेंशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज सम वुमेन रियलाइज द नीड फॉर एन अबॉर्शन वेरी लेट। क्योंकि अबॉर्शन का पता बहुत लेट चलता है, इस वजह से मेडिकल इश्यूज बन जाते हैं। एंड इनफैक्ट जनरली फीटल एनोमली का स्कैन में तब पता चलता है जब 20 से 21 हफ्ते प्रेगनेंसी को हो चुके होते हैं। इन केस ऑफ डिले इन डूइंग दिस स्कैन इट रिवील्स अ लीथल एनोमली इन द फीटस 20 वीक्स इज लिमिटिंग। ये 20 हफ्ते का टाइम बहुत क्रूशियल होता है। दिस हैज ऑल्सो स्पर्ड अ कॉटेज इंडस्ट्री। एक लोकल एरियाज में ऐसी इंडस्ट्री बन गई है इन प्लेसेस विच प्रोवाइड अनसेफ अबॉर्शन सर्विसेज, even leading in worst of the cases to the death of mothers. तो ऐसे में medical termination सही time पे, सही जगह पे, सही process के दरमियान होना बहुत जरूरी है। When women take the legal route to get a formal permission for termination after 20 weeks, तो उसमें बहुत ही tedious process हो जाता है। In fact, frustration और हो जाती है। एक तरफ distressed mothers होते हैं कि क्योंकि bad news होती है because of their baby, उनको फीटल एनोमलीज होती हैं एंड अल्टीमेटली लीगल प्रोसेस में कुछ हार्डशिप्स फेस करने की बजाय इट इज बेटर कि हम इस प्रोसेस को ईज आउट करें फॉर दीज वुमेन, अलाउइंग देम अ मेनस्ट्रीम सिस्टम इटसेल्फ टू टेक केयर ऑफ देम डिलीवरिंग क्वालिटी मेडिकल अटेंशन। नाउ दिस हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट जिसमें उन्हें 24 हफ्ते का टाइम दे दिया गया है। क्वेश्चन जो उठता है वो ये उठता है, अ डिसीजन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अ डिसीजन ऑफ ह्यूमन राइट्स। Principles of solid science should be involved and in step with advancements in technology. Technology ko advancement, jo technology mein jitni advancements hui hai, number one, human rights ka kya isme mapdand banta hai, kya parameter banta hai, factor banta hai. Thirdly, principles of solid science, whether or not it is safe for termination of pregnancy at 24 weeks. Ye फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसमें एक टर्म जो है वो निकल के आती है, दैट इज वायबिलिटी। लीगैलिटी शुड बी गवर्न्ड बाय द वायबिलिटी ऑफ द फीटस। फीटस क्या उसके उस टाइम के बाद
उस मदर की बॉडी से बाहर सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है. विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अपग्रेडेशन हुई है, स्किलफुल प्रोफेशनल्स जो कि आज मेडिकल सर्विसेज को केटर कर रहे हैं, उसको ड्राइव कर रहे हैं, ये वायबिलिटी नेचुरली है कि इम्प्रूव हो जाएगी. तो पुराने टाइम से 18 वीक्स के टाइम से जो ये 24 वीक्स किया गया है, तो ये डेफिनेटली एक वेलकम स्टेप है. इसी में एक एग्जाम्पल और एक लैंडमार्क जजमेंट रहा है, रो वर्सेस वेड की जजमेंट बाय द यूएस सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट. इट वॉज हेल्ड इन दैट केस दैट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द वुमेन्स राइट टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी एंड डिफाइंड वायबिलिटी एज पोटेंशियली द एबिलिटी टू लिव आउटसाइड द मदर्स वूम्ब, ऑल्बिट विद आर्टिफिशियल एड. चाहे वो आर्टिफिशियल एड के जरिए ही सही, लेकिन अगर एक बच्चा अपनी माँ की कोख से बाहर जिंदा रह सकता है, दैट इज हाउ वायबिलिटी को डिफाइन किया जाता है. नाउ इसी डेफिनेशन को इंडिया ने भी यूटिलाइज किया है. वायबिलिटी इज यूजुअली प्लेस्ड एट अबाउट 7 months, 28 हफ्तों के आसपास के टाइम को वायबिलिटी में कंसिडर किया जाता है. बट इट मे अकर अर्लियर एज वेल, जिसमें प्री मेच्योर डिलीवरीज भी आ जाती हैं. तो ऐसे में 24 हफ्तों का टाइम जो है, इट इज अ वायबल टाइम पीरियड. नाउ अल्टीमेटली नेशंस को क्या करना चाहिए, दे शुड ऑल्सो डिसाइड ऑन द आउटर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ टाइम, कि कब तक अलाउड होनी चाहिए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके ऊपर अभी काम नहीं किया गया. एंड द आउटर लिमिट शुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ देयर इंडिविजुअल, हर कंट्री के हेल्थ सिस्टम्स पे डिपेंड करना चाहिए कि कितना हद तक वो हेल्थ सिस्टम जो है एक मदर को केयर डिलीवर कर सकते हैं विदाउट द डेंजर टू हर लाइफ. देयर इज नो यूनिफॉर्म जेस्टेशनल वायबिलिटी फॉर एबॉर्शन. एबॉर्शन किस हद तक कराई जानी चाहिए, इस लिमिट को जो है आपको वापस रीस्टडी करना होगा. इवन स्टिल द गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर दैट ऑल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस टू फैसिलिटेट अबॉर्शंस आर फॉलोड. अब हो क्या रहा है, जैसा कि पहले भी बताया कि एक कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप हो गई है जो कि अल्टीमेटली ये खतरा पैदा करती है लाइफ ऑफ द मदर एज वेल. तो उस चीज के ऊपर थोड़ा रेगुलेशन होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए प्रोटोकॉल्स की, एंड फैसिलिटेट करना चाहिए कि अबॉर्शंस जो है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री में एक पर्टिकुलर नॉर्म्स पे, स्टैंडर्ड्स पे फॉलो किए जाए. Stopping short would make this progressive order a mere half measure. तो हमें अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें इसमें और थोड़ा सा काम करना है ताकि इंडिया का जो maternal mortality rate है वो global standards जो WHO recommend करता है that it should be below 70 per 1 lakh live births, वहाँ उससे नीचे आ जाए. That should be the focus and concern of India. अभी India 122 deaths per 1 lakh live births पे स्थित है, थोड़ा डिक्लाइन आया है 130 से नीचे आया है 122 पे, लेकिन अभी there is still a long road ahead. कुछ स्टेट्स, फॉर एग्जांपल असम की बात करें तो इट इज 229 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स है, एंड वहीं अगर केरला की बात की जाए तो इट इज 42 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स. सो दिस इज अ वेरी यू नो ह्यूज डिस्पैरिटी ऑफ नंबर्स, एंड इसके ऊपर काम करना चाहिए. एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड ये जो पॉलिसी है, दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप. रेयरली यू फाइंड समथिंग के आपको हिंदू में कहीं गवर्नमेंट की तारीफ मिले, तो उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी था. दैट इज व्हाई वी डिस्कस दिस एडिटोरियल. नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल इज फॉर द रूरल पुअर, अ मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस. नाउ दिस एंटायर एडिटोरियल टॉक्स अबाउट ऑल दोज थिंग्स जो हम आज से पहले अपने पिछले एनालिसिस में बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ नया डेटा अलग एंगल से भी बात की गई है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इट सेज, इट टॉक्स अबाउट द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे. अब ये प्रीलिम्स का सीधा सीधा सवाल बनता है, मेक श्योर आप कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के ऊपर प्रीलिम्स रिलेटेड करंट अफेयर्स नोट कर लें. नाउ इट इज कंडक्टेड एवरी 5 years बाय NSO, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस. व्हाट इट कंटेन्स इज द डिटेल्स अबाउट स्पेंडिंग पैटर्न्स ऑफ हाउसहोल्ड्स. एक हाउसहोल्ड किस तरीके से अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खर्चा करता है, ये उसकी बात करता है. द डेटा कलेक्टेड बिकम्स अ वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव इकोनॉमिक प्लानिंग और बजटरी एलोकेशन. ये एक बेसिस बन जाता है जिसके ऊपर सरकार अपनी पॉलिसी फ्रेम करती है. अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट लीक हुई थी उसमें ये पता चला है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है
पहली बार 40 साल में पहली बार उसमें गिरावट आई है। सेकेंडली आपको ये इसको कोरिलेट करके समझना होगा दैट कंज्यूमर स्पेंडिंग में गिरावट आई है, साथ ही साथ हाउसहोल्ड्स की सेविंग्स में भी गिरावट आई है। हाउसहोल्ड्स जो सेव करना चाहिए जिन्हें, उनकी सेविंग दर में गिरावट आई है। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर, इसको कोरिलेट करके ही याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर की सेविंग्स में जो है बढ़ोतरी देखी गई है, इट हैज इंक्रीज्ड इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। नाउ अ रिमार्केबल एनालिसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, ये प्रोफेसर एस सुब्रमण्यम ने इसका एक एनालिसिस दिया द इंडिया फोरम में, एंड इट कंपेयर्स द मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक व्यक्ति का एक महीने में कंजम्पशन के ऊपर, जो वो खाना पीना सब मिला के, टूथब्रश से लेके फूड आइटम्स तक सब, उसका जो कंजम्पशन है वो, उसका एक एवरेज निकाला जाए तो वो है MPCE, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो इसी सर्वे में से उठाया गया और उसका कंपैरिजन किया गया विद 2011-12 और 2017-18, इन दो पीरियड्स में इसका कंपैरिजन किया गया। अब यही दो पीरियड्स क्यों लिए गए हैं, बिकॉज दिस वॉज द ईयर जब GDP डेटा को हमने अलग बेस ईयर पे एंड अलग फॉर्मूला पे कैलकुलेट करना शुरू किया, एंड 2011-12 आर दोज ईयर्स जब आप, जो आपके बेस ईयर हैं इन मोस्ट ऑफ द डेटा। चलिए मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट ये बताता क्या है। अगर रूरल पॉपुलेशन की बात की जाए, उनको रैंकिंग दी जाए फ्रॉम पुअरेस्ट टू रिचेस्ट एंड उनको 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो ये देखा गया है कि जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हर ग्रुप में गिरावट आई है। तो ये हर ग्रुप की बात है, चाहे आप रूरल पुअर हैं चाहे रूरल रिच हैं, हर तरफ जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा बेसिस पे वो गिरावट आई है। दिस मींस कि कंजम्पशन, एंड सिमिलरली अगर आपने कंजम्पशन में गिरावट देखी है, दिस इज समवट कोरिलेटेड, इनकम में भी गिरावट आई होगी। The entire cross section of rural society has seen a decrease in income and consumption as well. The average monthly household consumption was reduced from 1430 2011-12 mein to 1304 in 2017-18. Now this is a sharp decline of about 9%. Ye dekhne mein itna zyada nahi lagta hai, lekin it is a huge decline. 10-10 15-15 रुपए का भी डिक्लाइन मैटर करता है, क्योंकि ये पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। इसी को अगर आप नेशनल फिगर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे, तो ये फिगर बहुत बड़ी होती जाएगी। जो रिसेंटली NSO का डेटा था एंड वो रिपोर्ट, वो सजेस्ट करती है दैट कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की जो इन्फ्लेशन है, दैट इंक्रीज्ड फ्रॉम अबाउट 3% अगस्त 2019 में, और दिसंबर में वो 14% के आसपास आ गई थी। इसकी बात हमने पिछले कुछ एनालिसिस में ऑलरेडी की हुई है, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट इन दिस एनालिसिस। बस इसको हमने ऐसे समझना है कि ये बहुत ही भयानक सिचुएशन है एज फार एज फूड प्राइसेस आर कंसर्न। आपको सबको पता है कि प्याज के दाम जो है वो 200 रुपए को टच किए, कई जगहों पे 120 रहे, अभी थोड़ा सा गिरावट आई है तो प्याज रुला नहीं रहा है, लेकिन अदरवाइज जो फूड इन्फ्लेशन है बेस्ड ऑन कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नाउ 2017-18 की अगर बात की जाए, तो सिमिलर टाइम्स पे एक तरफ हम देख रहे हैं कि खर्चा कम हो रहा है एंड इनकम्स भी कम हो रही है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं इन द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि डेटा निकल के आया था, इट वॉज रिवील्ड कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा अब देखी जा रही है। अब इसमें अगर हम ये भी बात बोल दें कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसे है वैसे है, ये सारे बहाने अगर हम इनकलकेट कर भी लेते हैं, बट अल्टीमेटली इट हैज बीन सीन दैट व्हाट वी नीड इज जॉब्स, एंड मनरेगा इज वन वे आप जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, आप कंजम्पशन रूरल सेक्टर में बढ़ा सकते हैं। तो यही ये एडिटोरियल बात भी कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। The sharpest rise was noted in vegetable prices. जैसा कि हमें सबको पता है कि प्याज के दाम कितने बढ़े थे, 60% से ज्यादा रेट बढ़ा था, while the prices of pulses spiked about 15%. दालों का रेट बढ़ने का इतना हमें नहीं पता चला था जितना प्याज के रेट का पता चला था। Now this rise might be a benefit for some
फार्मर्स, यहाँ फार्मर्स को थोड़ा फायदा हो सकता है प्रोवाइडेड वहां पे मिडिल मैन जरूरत से ज्यादा फायदा ना खा रहा हो। सेकेंडली वेजिटेबल प्राइसेस बोल सकते हैं कि सीजनल हो सकता है क्योंकि ज्यादा यू नो बहुत हेवी रेन्स हो जाती हैं तो क्रॉप जो है वो नुकसान हो जाता है उसे, एंड इस वजह से ये सीजनल भी हो सकता है। लेकिन अदरवाइज आप देखें तो लैंडलेस और स्मॉल फार्मर्स जो कि पुअरर सेक्शन में आते हैं, देयर अबिलिटी टू स्पेंड इज अराउंड 1 रुपी पर डे पर पर्सन। अगर इसको पर्सपेक्टिव में लेना है तो एक अंडा जो है 5 रुपए का पड़ता है, 1 लीटर दूध एटलीस्ट 30 रुपए का पड़ता है। तो ऐसे में जो शख्स लैंडलेस है, स्मॉल फार्मर है, उसकी लाइफ पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से 56% ऑफ द हाउसहोल्ड्स, उनके पास जमीन नहीं थी, दे डिड नॉट ओन लैंड, एंड अराउंड 51% ऑफ द हाउसहोल्ड्स डिपेंडेड ऑन सम फॉर्म ऑफ कैजुअल मैनुअल लेबर फॉर इनकम। मतलब आप दिहाड़ी पे जिन मजदूरों को जैसे लेके आते हैं उस तरीके से अगर बात की जाए तो 51% ऑफ द हाउसहोल्ड्स डिपेंडेड ऑन सच कैजुअल मैनुअल लेबर। नाउ मनरेगा कैन सर्व एज अ लाइफलाइन, अगर ये सरकार या इकोनॉमिस्ट इस बात को समझ रहे हैं तो अल्टीमेटली इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, मनरेगा को एक ड्राइविंग फोर्स बना दिया जाना चाहिए। एंड व्हाट वी नीड इज फॉर अ रिसर्जेंट बजटरी सपोर्ट फॉर मनरेगा। मनरेगा में वापस से और पैसे झोंकने की जरूरत है, रूरल कंजम्पशन, रूरल डिमांड को एक पुश मिलना चाहिए थ्रू मनरेगा। 1/6 ऑफ ईच ईयर्स एलोकेशन जो कि मनरेगा को मिलती है उसमें से 1/6 हिस्सा सरकारों को अभी और जरूरी है, एंड वो इतने हिस्से को वेज पेमेंट्स में दे नहीं पा रहे हैं। 1/6 ऑफ ईच ईयर्स एलोकेशन दे आर पेंडिंग एज वेज पेमेंट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। पेमेंट्स ऑफ मोस्ट स्टेट्स हैवंट बीन रिलीज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ सिंस अक्टूबर। कारण क्या है, इसमें फंड्स क्रंच हो रहा है, तो मनरेगा को वापस से बजटरी सपोर्ट की जरूरत है। हमें सबको मिलके इस थॉट के ऊपर फोकस करना चाहिए, वी नीड टू वर्क ऑन इंडियाज रूरल इकोनॉमिक्स। नाउ इसमें एक चीज का और ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि वेज पेमेंट में डिले हो रही है तो उस वजह से, हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की गई जजमेंट्स भी आई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डिले नहीं होना चाहिए, बट अल्टीमेटली डिले हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की, इन सारे ऑर्डर्स का वायोलेशन भी हो रहा है। ये लो वेज रेट जो है ना, ये अल्टीमेटली रूरल यूथ को डिस्करेज करता है कि वो मनरेगा का काम लें, क्योंकि अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आपको काम करने का मोटिवेशन भी नहीं होगा। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम मनरेगा और दे आर गोइंग टुवर्ड्स द सिटीज, वो अर्बन माइग्रेशन में आ रहे हैं, अर्बन सिटीज के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, एंड अल्टीमेटली देयर इज अ सिचुएशन जो कि हो लॉट वर्स है। नाउ इसका एक सिनेरियो ये है that there is a twin evil which exists. क्या एक low incomes, दूसरा high food prices. एक तरफ तो पैसे कम आ रहे हैं, दूसरी तरफ से खाने की चीजें महंगी होती जा रही है। This means that the landless poor have to further reduce their food consumption. अब यहाँ पे वो और खाना कम खाएंगे तो nutritional consequences होंगे, low nutrition will lead to lower physical and mental growth, जिसका अल्टीमेटली सरकार के ऊपर असर पड़ेगा, बिकॉज सरकार जो है 2.5% तक अपना हेल्थ केयर सेक्टर में अपने खर्चे बढ़ाना चाहती है, 1.6% के आसपास अभी खर्चा कर रही है, तो वो खर्चा जो है इनकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट में अलग से जाएगा, एंड फिर उनको तैयार करो, ये सारा एक विशियस सर्कल बन रहा है। इसलिए वॉट वी नीड एज इंडियंस, वी नीड टू वर्क ऑन रूरानॉमिक्स, दिस इज अ टर्म दैट आई हैव डिवाइस, रूरल इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और ये विशियस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, अ वेरी ब्यूटीफुल एडिटोरियल टॉक्स अबाउट हाउ फ्री स्पीच शुड बी यू नो उसको किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, इंटरप्रेट कैसे करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट शुड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री स्पीच बी रिव्यूड, अ ग्राउंड टू क्रिएट न्यू ज्यूरिसप्रूडेंस ऑफ क्यूमुलेटिव इंसाइटमेंट। कि किस तरीके से एक तरफ ये बयान आया कि आप गोली मार दो देशद्रोहियों को एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड दूसरी तरफ हम कोशिश करते हैं कि हम जो जेएनयू में प्रोटेस्टर्स हैं उनको जेल कर देते हैं, बट लीडर्स जो कि हेट स्प्रेड करते हैं, हेट स्पीच करते हैं,
उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो इसमें जक्स्टा पोजिशन क्या है एंड वॉट शुड सुप्रीम कोर्ट डू, ये सब बात की गई है इस एडिटोरियल में। वट वी नीड इज अ नीड फॉर डिसीजन ऑन अ फुल गैमेट ऑफ सेफ गार्ड्स एंड रिस्ट्रिक्शंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फ्री स्पीच, मतलब 19 क्लॉज 1 एंड 19 क्लॉज 2 के बीच में एक कॉमन सा एक प्लेग्राउंड, एक कॉमन ग्राउंड, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा कुछ तैयार किया जाए बाय द सुप्रीम कोर्ट, ताकि हम उसको फॉलो कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एट इट हार्ट अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड इट शुड ऑल्सो बी सीन लाइक दिस अलॉन्ग विद इट्स फर्स्ट अमेंडमेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। उस टाइम पे हमें ये समझना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस बिना पे बनी थी, क्या उस टाइम का माहौल था। उस समय बहुत ही ज्यादा हेट फैल रही थी, देयर वर रायट्स हैपनिंग अराउंड एंड हम किसी एक फॉरेन एंटिटी से लड़के एक पॉलिटिकल और एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट बना रहे थे विच इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इस कॉन्टेक्स्ट में समझते हुए हमें ये देखना होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस तरीके से इंश्राइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और उसे अब एक अलग एंगल देना होगा। सिमिलरली इन्हीं ग्राउंड्स पे इसी सोच की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल केस में अपनी जजमेंट डिलीवर की थी 2015 में एंड इट वॉज अ रियली इंटरेस्टिंग जजमेंट। जिन्होंने वो जजमेंट नहीं देखी है आई वुड सजेस्ट कि प्लीज श्रेया सिंगल का केस थोड़ा सा देखें, उसमें से काफी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड निकल के आती हैं। नाउ दिस इज वेयर सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट वी हैव टू अडॉप्ट द टेस्ट दैट वॉज यूज बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन ब्रैंडनबर्ग केस 1969। ये केस ब्रैंडनबर्ग केस आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये ख्याल रखना होगा दैट वॉट वी हैव डन इन श्रेया सिंगल, हमने यूएस से इंस्पिरेशन उठाया है। अब इस केस में बोला क्या गया था, इन्होंने बोला दैट देयर शुड बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एडवोकेसी एंड इंसाइटमेंट। एक चीज में आप एडवोकेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ अस वुड वॉन्ट, वी वुड एडवोकेट दैट जो रेप लॉज हैं वो थोड़े से और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सेकेंड केस में आप कहते हैं कि क्योंकि अब जैसे अभी की थोड़ी देर पहले की न्यूज है, पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी की सजा पे रोक लगा दी है इन निर्भया केस, तो ऐसे में अगर आप इंसाइटमेंट करते हैं, आप किसी को कहते हैं कि इनको बाहर से बाहर गोली मार दी जाए, ये वुड दिस वुड बी इंसाइटमेंट एंड दिस इज समथिंग जिसको एडवोकेसी के साथ कंपेयर करके अल्टीमेटली एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की जरूरत है। लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑलिवर वेंडर होम्स। ये ऑलिवर वेंडल होम्स जो कि जज थे यूएस सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने क्या बात की थी एंड इनका ये बात, इसका थोड़ा एनालिसिस देखते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच विल नॉट प्रोटेक्ट अ मैन हु फॉल्सली शाउट्स फायर इन अ क्राउडेड थिएटर। नाउ अ पर्सन हु फॉल्सली शाउट्स फायर इन अ क्राउडेड थिएटर इमीडिएटली इंड्यूसेस पैनिक विद हिज वर्ड्स। यू विल नॉट आर्ग्यू विद सच अ मैन हु शाउट्स फायर इन अ क्राउडेड थिएटर, बट इफ देयर इज सम स्कोप फॉर आर्ग्यूमेंट नो मैटर हाउ इन्फ्लेमेटरी I think that speech should be allowed. तो इस चीज के ऊपर ओलिवर वेंडल होम्स ने क्लरिफिकेशन दिया था कि एक एडवोकेसी और एक इंसाइटमेंट, फॉर एग्जाम्पल क्राउडेड थिएटर में कोई कहता है आग लग गई भागो भागो भागो, तो ऐसे में पैनिक क्रिएट होगी एंड कोई उसके साथ आर्ग्यू नहीं करेगा कि कहां लगी है, बता भैया आग लगी कहां पे। अब नाउ इसमें दूसरा आस्पेक्ट ये है कि अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी, चाहे कितना भी इन्फ्लेमेटरी रिमार्क हो, अगर थोड़ा भी आर्ग्यूमेंट का या डिस्कशन का या डिबेट का स्कोप रहे तो उसमें वो स्पीच अलाउ करनी चाहिए। दिस इज हाउ यूएस थिंक्स अबाउट हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो दिस ब्रिंग्स अस बैक टू द टेस्ट जो कि जस्टिस नारिमन ने आर्टिकुलेट किया था। उन्होंने कहा था that so long as you are able to debate and discuss with each other, then really there is no reason to prevent a person from saying what he wants to say. Even though you might not find that speech to be palatable, aapko wo hazam ho na ho baat, lekin freedom of speech and expression mein wo cheez included hai, uska right hai, usko bolna allowed hai. Ab ho kya raha hai, Supreme Court ke saamne ye sawal aate rehte hain baar 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 baar. Hum कोशिश क्या करते हैं थ्रू दिस एडिटोरियल एज वेल, व्हाट वी वांट इज टू क्रिएट अ बैलेंस्ड अप्रोच
सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप 19-1 और 19-2 का एक बैलेंस्ड ओपिनियन बना के छोड़ दीजिए हमारे लिए, तो कि उसी को ग्राउंड मान के हम आगे का लॉ डिफाइन कर दें। नाउ दिस इज एन अनचार्टर्ड टेरिटरी, अभी तक इस पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ खास बैलेंस्ड जजमेंट नहीं आई है। सेकेंडली, दिस इज अ डोमेन ऑफ द ऑनरेबल पार्लियामेंट, वो उनका कानून बनाने का हक है, लेजिस्लेट करने का उनका हक है। थर्डली, ये खतरनाक सिचुएशन इस वजह से भी हो जाती है कि जब 19-1 का वायलेशन होता है तो ज्यादातर केसेस में जहां पे भी वायलेशन होता है ये सारे मैटर्स जो है ये क्रिमिनल डोमेन में आते हैं, तो ये खतरा और बढ़ा देते हैं, बिकॉज देन इलीगल डिटेंशन का भी खतरा हो जाता है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, ये बहुत सारे आर्टिकल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, आर्टिकल 19 इन्वॉल्व हो जाता है, एंड उनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ ज्यादातर केसेस जो होते हैं वो 120 आईपीसी के अंडर लगते हैं, एंड वो कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन तरीके के कानून उनके ऊपर धाराएं लग जाती हैं। ऐसे केस में ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है दैट अल्टीमेटली ऑल ऑफ दीज एक्ट्स कम अंडर द डोमेन ऑफ क्रिमिनल लॉज, तो इनका थोड़ा सिचुएशन थोड़ी टाइट कह सकते हैं आप रहती है। Ask ourselves this, as a society, as a community, as a country, as a nation, whether we really want to allow hate speech or not. ये editorial ने सलाह दी है, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि क्या हमें hate speech हजम होती है या नहीं होती है। For example, अगर US का example लिया जाए, US में president अपना ही जो है उसकी ragging होती है एक तरीके से, उसके ऊपर मजाक उड़ाया जाता है इन हिज प्रेजेंस, तो ये सटायर, ये कॉमेडी यूएस में सबको हजम होती है, तो वो ग्रिलिंग ऑन टीवी ऑन कैमरा करवा लेते हैं। लेकिन डू वी हैव दैट पैलेट, क्या हमें उस तरीके का हाजमा है या नहीं है, एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, कम्युनिटी और एज अ कंट्री और इवन एज अ नेशन, है तो ठीक है, उस तरीके से हमें चलना चाहिए, अदरवाइज नहीं। वी आर समवॉट लाइक द यूरोपियन मॉडल, यूरोप में जैसा इंडिया में चलता है कुछ कुछ वैसा चलता है। दे से दैट हेट स्पीच वोंट बी टॉलरेटेड इवन दो इट मे हैव पुट अ डैम्पनर ऑन डिबेट डिस्कशन एंड डिसेंट, अगर डिबेट हो भी सकती है, डिस्कशन हो भी सकती है, डिसेंट हो भी सकती है, लेकिन हेट स्पीच अलाउ नहीं की जाएगी। तो ये हम यूरोपियन मॉडल फॉलो करते हैं। अल्टीमेटली एक चीज जो सवाल इसमें से बनता है, इस एडिटोरियल में से, वो ये है, When Parliament legislates, if there is a mistake, we can go to the court. लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये unconstitutional है, तो हम court चले जाते हैं। लेकिन अगर court legislate करने लग जाएगा, if there is something in that legislation जो कि court ने बनाई है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि 19 clause 1 और 19 clause 2 के ऊपर court को legislate कर देना चाहिए, judicial activism अपना लेना चाहिए। तो ऐसे केस में इफ देयर इज समथिंग इन दैट लेजिस्लेशन दैट समबडी वांट्स टू चैलेंज, देन देयर इज नो रियल ऑप्शन। अब जाएंगे तो कहां जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जज बेंच बैठता है, फिर उसके बाद 7 जज बेंच कब बैठ पाएगा, ये बहुत प्रोलॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट वुड बी अ डैम्पनर, इट वुड बी अ नो गुड शो। सो दिस इज समथिंग दैट दिस एडिटोरियल टॉक्ड अबाउट, एंड दिस लास्ट पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आप इसे लिख लें। चलिए अब बात आती है आज के सवालों की, वो ये रहे आपकी स्क्रीन्स के ऊपर। क्रिटिकली एनालाइज द लॉ मेकिंग रोल ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया, नंबर वन, इसकी बात अभी हमने की। डिस्कस द नीड टू बेस आवर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कीपिंग द रूरल हाउसहोल्ड इन माइंड, इसकी जरूरत क्यों है। 60% जो हिंदुस्तान है वो भारत कैटेगरी में आता है, वो रूरल इंडिया की कैटेगरी में आता है, एंड इनफैक्ट मैक्सिमम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, एंड वो भी रूरल एरियाज में पाया जाता है। तो ऐसे में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रूरल इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ लिंक करके जरूर देखें। द रोड टू अ 5 trillion US dollars economy passes through a village comment, तो ये दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर तरीके के हैं, इनमें से एक ना एक टॉपिक के ऊपर ऐसे भी रह सकता है। मेक श्योर आप इस पे अपने आंसर्स लिखें एंड अपलोड करें कमेंट सेक्शन में। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मेक श्योर आप सोसाइटी वाली सीरीज को फॉलो करें, हमारे हिंदू एनालिसिस को फॉलो करें, एंड वीडियोस देखते रहिए, आते रहिएगा।
चलिए, गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।